हेलो फ्रेंड्स, आज हम अदरक से सूंठ का पाउडर बनाने जा रहे हैं। यह बहुत झटपट बन जाता है और बहुत आसान है, और यह घर पे बनी हुई सूंठ बहुत प्योर बनती है। आइए हम इसे बनाते हैं। आज हम सूंठ का पाउडर बना रहे हैं। हमने अदरक को अच्छे से धोकर ले ली है। आपको बाज़ार में यह चुने वाली अदरक मिल जाती है, लेकिन वो हमारे मिक्सर ग्राइंडर में पीसना बहुत टफ है। हमने यह प्रोसेस किया हुआ चूना ले लिया है। इसके हम बहुत सारे पैकेट ले लिए। हम इस तरह से इसमें चूना लगाते जाएंगे। इसकी सेल्फ लाइफ सुगन के साथ साल भर से ज़्यादा रहती है। इस तरह हमने चूना लगा दिया, इसे दूसरी तरफ भी लगाएंगे। हम दूसरी तरफ भी सब लगा देंगे। जहाँ पे नहीं लगा है वहाँ इस तरह से हाथ की मदद से आप लगा लीजिए। इस तरह हमने चारों तरफ अच्छे से चूना लगा लिया है। इसे हम 2-3 दिन सूखने देंगे। यह सब अदरक को 6-7 दिन हो गए, अंदर से लेकिन गीली है। अब हम सब चूना निकाल देंगे। बाज़ार के सूंठ के पाउडर से यह सूंठ का पाउडर ज़्यादा अच्छा बनता है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट और अच्छा रहता है। इसे पूरी तरीके से 1-2 घंटे भिगो के धो के उसके बाद हम इसे ग्रेट कर लेंगे। जैनों में यह चूना लगाया हुआ ही सूंठ का पाउडर बनाया जाता है। इस तरह सब अदरक को अच्छे से पानी में धो लेंगे। इसे मैंने 5-6 घंटे भिगो दिया था और इसे एक चलनी में रखेंगे। इसे एक चलनी में डालते जाएंगे। इसे भी 3-4 पानी से धो लेंगे। इसे बहते पानी में धो लेंगे। जो थोड़ी बहुत चूना का पार्ट है वो भी निकल जाएगा। इसे हम ड्राई होने देंगे। अदरक को हम ग्रेट कर लेंगे। इस तरह से हम इसे ग्रेट करते जाएंगे। इस तरह यह अदरक को ग्रेट कर लेंगे और इसे धूप में 5-7 दिन के लिए सूखा देंगे। ऐसे तो यहाँ इतनी कड़क धूप है कि 2 दिन में सूख जाएंगे। इसे हम धूप में प्लेस कर देंगे। ये सब सूख जाने के बाद हम इसे मिक्सचर ग्राइंडर में बारीक पाउडर बना लेंगे। सब अदरक अच्छे से सूख गई है, देखिए चूरा होगा। हमने छोटा मिक्सचर जार ले लिया है। इसे हम जार में सब भर देंगे। इस तरह सब डाल देंगे। हमने सब मिक्सचर जार में डाल दिया है। अब इसे हम ढक कर एकदम बारीक पीस लेंगे। यह सूंठ का पाउडर देखिए, एकदम बारीक। इस तरह सूंठ का पाउडर बनाना बिल्कुल आसान हुआ। इसे एक सूखी कांच की बर्नी में भर देंगे।
तरह हम सारा सोंठ पाउडर भर देंगे। इस तरह हमने सारा सोंठ का पाउडर भर दिया। यह आधा किलो अदरक का पाउडर है। इसे आप ठंडी के दिनों की मिठाइयों में या वसाना जो बोलते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं, चाय के मसाले में यूज़ कर सकते हैं, उकाड़े में यूज़ कर सकते हैं, और खांसी वगैरह रही तो इसको उबाल कर आप दूध में पी सकते हैं। यह सूट का पाउडर शरीर के लिए बहुत फ़ायदाकारक है, जो हमारे पित्त और वात को वात का शमन करता है। इस तरह हमारा यह सोंठ का पाउडर बनकर तैयार हो गया है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं सुधाश किचन से सुधाश शाह बोल रही हूँ। धन्यवाद।